राज्य में अफसरशाही चरम सीमा पर है। कोई गरीब को देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी का भी नाम आया है जिसने रिश्वत भी ली और इनका काम नहीं किया। ना घटी है वो घटना स्थल कौन है और तंग आकर, मतलब आपके पदाधिकारी से तंग आकर ये आदमी अपना दाह माने वहां पर कर लिया, आग लगा लिया, पेट्रोल छींक के। जिला कलेक्टर के दरवाजे पर घटना हुई है, कौन लेगा इसकी जवाबदेही? पेट्रोल छींट रहा था उस समय आपके पदाधिकारी मजिस्ट्रेट वहां कहां थे? जब वो आग लगा रहा था वहां जो एक स्टैटिक फोर्स वहां रहता है वो कहां था? अधिकारी लोग जो है से उनको और प्रताड़ित करने का काम किया, उनसे रिश्वत लेने का काम किया। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे इनके परिवार को और 25 लाख रुपया मुआवजा दे, तब तक नहीं मिलेगा ये सब जब तक इन लोगों के माने अरेस्टिंग नहीं होगा, जांच नहीं होगा, हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। नमस्कार, आप फर्स्ट बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन कांटी थाना क्षेत्र के बिंदालाल गुप्ता ने समरणालय परिसर में पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ से उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आज उनका दाह संस्कार किया गया है। ऐसे में देखिए कि जो पीड़ित परिवार है बिंदालाल गुप्ता के जो परिजन है उनसे मिलने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांटी के वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी राजद के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी जो है अधिकारी को फोन लगा दिए और उनसे इस घटना की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फोन पे बात करते हुए कहा कि देखिए जो पीड़ित परिवार है जिनको जो 3 डिसमिल जमीन का मामला था उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, इसको लेकर फोन से बात की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें की है। उन्होंने कहा है कि जो दोषी पदाधिकारी है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है उस पर उच्च स्तरीय जाँच हो और कार्रवाई हो, साथ ही सरकार से 25 लाख रुपये मुआवजा मिले ताकि पीड़ित परिवार है उनको मदद मिल सके। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, वो आप सुनिए। काफी दर्दनाक घटना हुई है, ये स्पष्ट रूप से यह साबित करता है कि राज्य में अफसरशाही चरम सीमा पर है। कोई गरीब को देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी का भी नाम आया है जिसने रिश्वत भी ली और इनका काम नहीं किया। बड़ी ही और जो घटना हुई है जिला समाहरणालय जिला कलेक्टर के दरवाजे पर घटना हुई है, कौन लेगा इसकी जवाबदेही? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई पीड़िता इतना दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए एक दशक से परेशान है, अधिकारी लोग जो है से उनको और प्रताड़ित करने का काम किया, उनसे रिश्वत लेने का काम किया, उसके बाद आपके दिए हुए पर्चे 3 डिसमिल को आपने जो है सो उस 3 डिसमिल को कब्जा नहीं करा पाए, ये कौन सा शासन और प्रशासन चल रहा है? और जिलाधिकारी से मिलता है पीड़ित और मिलने के बाद आत्मदाह उनके दरवाजे पर करता है, ये तो बड़ी है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो भी पदाधिकारी है तमाम पदाधिकारी को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए और मृतक चूंकि भूमिहीन था, गरीब था, उनको तत्काल जो है सो 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाए और 25 लाख रुपया सरकार को मुआवजा देना चाहिए, चूंकि यह सरकार के पदाधिकारियों का गलती का नतीजा है जो गरीब परिवार उलट बिखर गया है। उसके गार्जियन जो उसके जो कमाने वाले थे वही जब नहीं रहेंगे तो उनके पीछे आश्रित है, उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि जो असिध मुख परिवार के अर्जन करता थे वो नहीं रहे, उनको 25 लाख रुपये के मुआवजा हो और उनको 5 डिसमिल उनके आश्रित को जमीन मुहैया कराया जाए और दोषी को चिन्हित करके उस स्तरीय जांच करके दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाए। अभी विधायक लगातार देखा जाता है ब्लॉक स्तर पे सीओ और कर्मचारी की जो मनमानी होती है, कहीं ना कहीं सुना जाता है आम लोग से, पूरे बिहार का यही हाल है। और जनप्रतिनिधि कोई बात बोलने पर जनप्रतिनिधि पर ही आरोप लगा दिया जाता है, पूरे बिहार का अंचल का बुरा स्थिति है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और शासन प्रशासन एकदम ठप है। लोग जो है तय करते हैं, अधिकारी लोग सरकार को चला रहे हैं, कुछ अधिकारी है जो अपने चहेते
अधिकारी की पोस्टिंग करते हैं, कानून बना दिया गया है कि 3 साल के बाद ही किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, लेकिन यह तो अधिकारी समझते हैं 3 साल के लिए वो मस्त हो जाते हैं, किसी भी गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। एक कलेक्टर के सामने आत्मदाह हो रहा है और कोई सत्ता पक्ष को लोग, इनको सुध भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, कोई नहीं आए होंगे हमको लगता है, इसलिए इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस पर जिलाधिकारी को जो है सोचना चाहिए, उनसे जवाब और स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में आप जिला के मालिक हैं और आपके नजदीक कोई पीड़िता जो है 3 डिसमिल मात्र जमीन पर्चाधारी होकर के बिना मुआवजा के लिए आत्मदाह करने को मजबूर होता है, तो फिर न्यायिक व्यवस्था क्या रहा। हम लोग पूरा राजद परिवार की तरफ से हम लोग आकर परिवार से हम लोग मिले हैं और घटना बहुत दुखदायी है। कलेक्टर के सामने कलेक्ट्रेट में पहले से वहाँ फोर्स भी भरा रहता है, वहाँ मजिस्ट्रेट भी रहता है कलेक्टर के आगे कि कोई घटनाएं दुर्घटनाएं ना हो, लेकिन कैसे 40-50% ये जल गए और वहाँ के पदाधिकारी देखते रह गए, ये जांच का विषय है। ठीक बोले हैं यहाँ के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री कि जाँच होना चाहिए और न्यायिक जांच हो और जांच करके उस दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल यहां से लेके प्रदेश तक, चूंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस घटना को संज्ञान लेने का काम उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि जाकर आप लोग देखिए और वहां से भी इस पर कार्रवाई होने की बात होगी। अगर पदाधिकारी सही दोषी लोगों को अगर इसमें सजा नहीं देते हैं और जहां घटना घटी है वो घटना स्थल कौन है और तंग आकर, मतलब आपके पदाधिकारी से तंग आकर ये आदमी अपना दाह संस्कार वहां पर कर लिया, आग लगा लिया, पेट्रोल छीट के, पेट्रोल छीट रहा था उस समय आपके पदाधिकारी मजिस्ट्रेट वहां कहां थे जब वो आग लगा रहा था, वहां जो एक स्टैटिक फोर्स वहां रहता है वो कहां था। आज 40-50% जल गया और कोई प्रशासन ताकने का नाम नहीं ले रहा है, सीधे आ रहा है, घूम रहा है, किसी तरह से बोलू दाह संस्कार हो जाए, दाह संस्कार में फोर्स बल भर दो कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे और कर दे। तो ये दमनात्मक कार्रवाई वाली ये सरकार है, इस सरकार में गरीबों का भला होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे इनके परिवार को और 25 लाख रुपया मुआवजा दे, तब तक नहीं मिलेगा ये सब जब तक इन लोगों के माने अरेस्टिंग नहीं होगा, जांच नहीं होगा, हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और हम लोग लड़ने और भिड़ने का काम करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, इसराइल मंत्री, इसके साथ ही राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा है कि जिस प्रकार से समरणालय परिसर में घटना हुई है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पदाधिकारी है और जिस प्रकार से भूमि को लेकर लगातार दौड़ रहे थे, लगातार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे थे, तो उस पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को नौकरी मिले, उसके साथ ही 25 लाख रुपया मुआवजा भी ले, इसको लेकर उन्होंने मांग की है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।